आदरणीय राहुल जी गांधी यांचं स्वागत करायचं आहे, ज्यांचे विचार ऐकायला आपण इतके थांबलेले आहात। आदरणीय राहुल जी गांधी, राम राम मंडली। शरद पवार जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, जयराम रमेश जी, संजय रोत जी, जयंत पाटिल जी, यशोमती ठाकुर जी, अजय यादव जी, शिरीष कोटवाल जी, तुषार शिवाले जी, संजय जाधव जी, जीवा गावित जी, स्टेज पे सारे सीनियर नेता, गठबंधन के वरिष्ठ नेता, प्यारे किसानों, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा प्याज के दाम का है, हैगा? नेशनल मीडिया में आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन देखी? नहीं दिख सकता। सबसे बड़े मुद्दे किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है। देश में दो तीन मुद्दे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है, फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा, फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा, फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे, कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। किसके लिए करते हैं? हिंदुस्तान के 20-25 सबसे बड़े अरबपतियों के लिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? एक रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं,
महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका एक रुपया कर्जा माफ नहीं किया। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें ये नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। सोलह लाख करोड़ का मतलब 24 साल का मनरेगा, मतलब 24 बार अगर हम आपका कर्जा माफ करें, उतना कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। आपका एक बार हमने किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और जितना आपका माफ हुआ था, अगर आप उसको 24 बार करें, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। वो जो 20-25 लोग हैं, आज उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। 70 करोड़ लोग कौन है? किसान है, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं। जितना पैसा आपको दिया जाता है, जितना पैसा आपके हाथ में है, उतना ही पैसा 22 लोगों के हाथ में है। और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 बार जो हमने आपके लिए किया था, 24 बार उन्होंने 20-25 लोगों के लिए किया है। अब आपको एक तरफ से नहीं घेरा जाता है, तो अगर मैं ये कहूं कि एक दवाई से आपका काम बन जाएगा, वो गलत है। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है। आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है, तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। तो दवाई क्या है, और यह भी शुरुआत है। सबसे पहले, अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी 1,000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वो ही अदानी देगा। उसने 1,000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा।